हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आप देख रहे हैं शेफ मानीपुरी चैनल। आज आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, लौकी का पराठा। आज हम बताने वाले हैं आप अपने होटल और घर रेस्टोरेंट में लौकी का पराठा कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, स्टेप बाय स्टेप। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। लौकी पराठा बनाने के लिए हमने लिया है लौकी, जिसको हमने कट कर लेना है। सबसे पहले देख सकते हैं आप कैसे कि हम कट कर रहे हैं। हमने लौकी को ऐसे ही कट कर लेना है जैसे कि हम कर रहे हैं। हमने लौकी कट कर लिया, अब इसको हम छील लेंगे छिल्लर से। छीलने के बाद हम इसको वाश करेंगे। वाश करने के बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। लौकी हमने छील लिया, अब इसको हम धुल लेंगे। धुलने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो अगर आपके लौकी में बीज हो तो आप बीज को निकाल दें। हमारी लौकी एकदम मुलायम है तो हमने डायरेक्ट इसको ग्रेट कर लिया है। आपने लौकी को ग्रेट कर लेना अच्छे से, जैसा कि हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हमने लौकी को ग्रेट कर लिया, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के आपने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए साइड। अब हम लगा लेंगे आटा। सबसे पहले हमने 250 ग्राम आटा लिया है, साथ में हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मैदा। हमने 100 ग्राम मैदा डाल दिया इसमें। अब इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट, आप अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट डाल दें। 1 टीस्पून इसमें हमने डाला कढ़ाई का मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें सूखा हुआ मिर्चा, खड़ी धनिया, सौंफ सब पड़ा हुआ होता है। अब साथ में इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में पानी नहीं डालना आपको, वरना आपका आटा गीला भी हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा आटा में पानी डाल के इसको मिला ले रहे हैं, बढ़िया से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे मैश कर रहे हैं, आपने भी ऐसे ही मैश करना है जैसे कि हम कर रहे हैं। लगभग हमारा आटा लग ही गया है। अब इसमें हम ऑयल डाल के मालिश कर लेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डाल देना है, ऑयल डाल के आपने इसमें मालिश करना है। इससे बहुत ही बढ़िया आटा में शाइनिंग आ जाती है, बहुत ही बढ़िया आटा लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारा आटा लग गया है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने बॉल में ऑयल लगा लेना है ताकि आपका आटा इसमें चिपके ना। उसके बाद आपने इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। हमने आटा निकाल लिया है, अब हम लौकी का पानी निकाल लेंगे, जो कि लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं आपने ऐसे ही निचोड़ लेना जैसा कि हम निचोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लौकी में कितना पानी निकला हुआ है। हमने लौकी का पूरा पानी निकाल लिया है, अब मसाला बना लेंगे लौकी का। तो हमने मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कढ़ाई का मसाला 1 टेबल स्पून, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ में हमने इसमें डालना है स्वाद अनुसार टेस्ट नमक डाल देना है, सॉल्ट। साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। साथ ही साथ 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून इसमें हम। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून किचन किंग, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच हींग, इससे आपका पेट साफ रहेगा। साथ में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड करेंगे। साथ में बारीक कटा हुआ इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। बारीक कटा हुआ हमने इसमें डाल दिया है अदरक थोड़ी सी। अब इसको आपने मिला लेना है जैसा कि हम मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैदा डाल देना है। मैदा डाल के आपने इसको अच्छे से मिला लेना है जैसा कि हम मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने मिला लिया, इसको आपने रख देना। अब हम आटा का पेड़ा बना लेंगे। आप देख सकते हैं आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आपने जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना लीजिए। हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने पेड़ा बना लिया है सारा। अब हम एक एक करके सारी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही बेलें जैसे कि हम बेल रहे हैं, एकदम आराम से, फटना नहीं है आपको। अच्छे से बेल लेना है जैसे कि हम बेल रहे हैं। हमने एक एक करके सारी बेल लिया है लगभग, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मसाला लगा लेंगे जो कि हमने लौकी का बना के रखा हुआ था। पूरे में मसाला लगा लेना है। आपने एकदम साइड में मसाला पूरा नहीं लगाना है, अंदर ही अंदर लगाना है ताकि आपका मसाला बाहर ना जाए। आप देख सकते हैं हम मसाला कैसे लगा रहे हैं। आप ऐसे ही मसाले को लगा लें जैसा कि हम लगा रहे हैं। हमने मसाला लगा लिया है बढ़िया से। अब इसके ऊपर हम एक और रोटी लगा देंगे। लगाने के बाद इसको आपने अच्छे से दबा देना है ताकि आपका मसाला जो है बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं कैसे कि हम दबा रहे हैं।
ऐसे ही आपने दबा लेना है बढ़िया से। अब हमने दबा लिया अच्छे से, हमारा पराठा हो गया। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्लेट में निकाल लिया। हम एक पैन लेंगे, इसको हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम पराठा को डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने पराठा को डाल दिया। आपने फ्लेम को एकदम लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। बढ़िया से आपको एकदम बढ़िया से सेकना है इसको, दोनों तरफ आपने सेक लेना है बढ़िया से। अब इसमें हम लगाएंगे बटर। आप देसी घी तेल भी इसमें लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगा लें। अब आपने तेल लगाने के बाद इसको पलट लेना है। आपने इधर भी तेल या बटर लगा देना है। दोनों तरफ अच्छे से आपने सेक करना है, बढ़िया से सेक लेना है। जैसा कि हम सेक रहे हैं, आपने बढ़िया से इसको सेक लेना है एकदम लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं हमारा पराठा लगभग सेक गया है। हम इसको और बढ़िया से सेकेंगे। आपने बढ़िया से इसको सेक लेना है, एकदम क्रिस्पी पराठा बनेगा, बहुत ही बढ़िया खाने में लगेगा। आप देख सकते हैं हमने बढ़िया से इसको सेक लिया है दोनों तरफ। कितना बढ़िया हमारे पराठे में कलर भी आ गया, बढ़िया से सेक भी गया है पराठा। अब इसको हम एक प्लेट में हमने निकाल लिया। आपको दिखाते हैं हम पराठा खोल के, कितना बढ़िया हमारा पराठा लौकी का हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना बढ़िया बन के तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।